43,730 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस आशय की जानकारी कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न जिला उपार्जन समिति की बैठक में दी गई। उसके अलावा धान की खरीदी भी चल रही है, तो वो भी एक प्रायोरिटी पे रहेगी, और बाकी जो जिले की और शहर की समस्याएं हैं वो प्राथमिकता पर। कोविड को लेकर के, चूँकि कोविड कोरोना के वैक्सीनेशन का एक बड़ा अभियान चल रहा है, 27 में थोड़ा पीछे है और उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने लगभग 45,000 टीके लगाए हैं। आज छात्रों के साथ हो रही अव्यवस्थाओं व महाविद्यालय की जमीन में छात्रों के बिना सहमति के स्मार्ट सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण भविष्य में छात्रों को होने वाला विकास रुक जाएगा। महाविद्यालय की जमीन पर पार्क न बनाए जाने के लिए छात्रों ने नगर निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। क्लास में उनकी बैठक व्यवस्था पर्याप्त नहीं, उसके बावजूद मैम जमीन कॉलेज के पास लेते हैं, फिर भी हमारा कॉलेज प्रशासन जबरदस्ती जमीन स्मार्ट सिटी पार्क में दे रहे हैं। क्योंकि सरासर छात्रों के साथ गलत है, जिले के साथ गलत मैम, क्योंकि इस जमीन के दौरान कॉलेज के छात्रों का भविष्य कॉलेज बढ़ेगा। मैम प्रधान जी ज्ञापन देखिए। थैंक यू मैम। थाना कोलगवा पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने वालों के मंसूबों पर फिरा पानी। तस्करी से पहले ही वाहन के दो आरोपी गिरफ्तार। अवैध रूप से बिक्री हेतु रखा 4 क्विंटल 15 किलोग्राम गांजे का जखीरा हुआ बरामद। जिला युवक कांग्रेस सतना द्वारा पूर्व प्रदेश सचिव अरुण पांडे जी के नेतृत्व में एक बूथ पांच यूथ अभियान का 5वां चरण कृष्णनगर कॉलोनी में किया गया आयोजित। कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय चोरई में जिला स्तरीय पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इस प्रतियोगिता में कई महाविद्यालयों के छात्रों ने लिया भाग, जिसमें विजेता पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा उप विजेता बनी टीम को मेडल से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर NK शुक्ला तथा जिले के कबड्डी अधिकारी PK बिसेन एवं समस्त स्टाफ रहा मौजूद। जिला छतरपुर के ग्राम दोनी के बोरवेल में फंसी 1.5 वर्षीय बिटिया दिव्यांशी को SDRF ग्वालियर की रेस्क्यू द्वारा कड़ी मेहनत कर जीवित सुरक्षित बाहर निकालकर एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। SDRF मुख्यालय भोपाल में बच्ची के बोरवेल में फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त कर SDRF ग्वालियर की रेस्क्यू टीम कंपनी कमांडर JK त्रिपाठी और प्लाटून कमांडर गोविंद शर्मा के साथ 19 सदस्यीय टीम तुरंत घटना स्थल के लिए हुई रवाना। टीम द्वारा पहुंचकर बोरवेल रेस्क्यू कार्य किया गया प्रारंभ और स्थानीय प्रशासन सहयोग से बोरवेल में फंसी 1.5 वर्षीय बच्ची दिव्यांशी को कड़ी मेहनत कर सुरक्षित निकाल लिया गया। टीम की सफलता के लिए स्थानीय प्रशासन, मीडिया तथा जन समुदाय ने भारी प्रशंसा की। यातायात पुलिस ग्वालियर ने नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध चलाया अभियान। प्रमुख बाजारों में रोड पर खड़े किए गए वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग में कराया गया पार्क। वाहन चालकों को रोड पर पार्क न करने की दी गई हिदायत। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री एवं सतना जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट एवं कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जा धान खरीदी मामले में सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने ली अफसरों की क्लास। कहा, कुर्सियों में ना बैठे, फीडर में जाकर करे जांच। नोडल अधिकारी नियुक्त ना होने पर DSO को लगाई फटकार। समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन के बिगड़े बोल। कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 नहीं 16 से 17 होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो शादी में देर होगी, तो वह पोर्नोग्राफी वाले वीडियो ही देखेंगी। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहे पूछता है भारत न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।